हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री के थ्री चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक का बायोलॉजी का पोर्शन, और इसका फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे बुक में चैप्टर नंबर 6 है। क्या होती है लाइफ प्रोसेसेस? ऐसी प्रोसेसेस जो एक लिविंग बींग परफॉर्म करता है अपने आप को नेचर में सस्टेन करने के लिए, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कुछ लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन को। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज अलाइव एंड वॉट इज नॉट अलाइव? हम सजीव तथा निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं? इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। जब हम एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, या गाय को जुगाली करते हुए, या गली में किसी पर्सन को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। वॉट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर असलीप? We would still think that they were alive, but how did we know that? यदि कुत्ते को, गाय को या इंसान सो रहा है, तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? We see them breathing and we know that they are alive. हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं और जान जाते हैं कि वो कैसे हैं, वो सजीव हैं। What about plant? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say. पौधों के बारे में हम क्या कहेंगे, ये सजीव हैं। हम में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। बट वॉट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? लेकिन हम उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर के दूसरे रंगों की होती हैं? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। वे समय के साथ में ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो कैसे हैं, वो लिविंग होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बींग अलाइव। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो कोई लिविंग बींग है या जो सजीव हैं, उसके सामान्य एविडेंस के तौर पर अगर हम देखें तो हम कुछ मूवमेंट पर या गतियों पर विचार करते हैं। ये मूवमेंट जो हैं ये ग्रोथ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वृद्धि से संबंधित भी हो सकते हैं, या कोई दूसरे मूवमेंट, दूसरे तरह की गतियां भी हो सकती हैं। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज़ स्टिल अलाइव। लेकिन वह पौधा भी लिविंग होता है, सजीव होता है, जिसमें कि ग्रोथ जो होती है वो विजिबल नहीं होती है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो सांस तो लेते हैं लेकिन उनमें मूवमेंट जो होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो हम ये बोलें कि दिखाई देने वाली जो गतियां हैं या मूवमेंट हैं, उनको, उनके बेस पर ही हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, तो ये पर्याप्त नहीं है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाले मूवमेंट जो हैं या गतियाँ जो हैं, वो आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, जैसे अणुओं की गतियाँ या हम मॉलिक्यूल का मूवमेंट बोल सकते हैं। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये लाइफ के लिए ज़रूरी है? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। यदि हम इस प्रश्न को किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें तो उसका आंसर होगा यस। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। वास्तव में जो वायरसेस होते हैं या विषाणु जो होते हैं, इनके अंदर किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो किसी सेल को, लिविंग सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देते हैं।
एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इसी कारण से यह विवाद बना हुआ है, कॉन्ट्रोवर्सी है कि जो वायरसेस हैं वो वास्तव में लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं या नहीं होते हैं। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, जीवन के लिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट हैं या जो आणविक गतियां हैं वो क्यों आवश्यक हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम एंड सो ऑन। पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हम ये देख चुके हैं कि जो लिविंग होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है। इनमें टिश्यूज हो सकते हैं, टिश्यूज में सेल्स होती हैं और सेल्स में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। जो लिविंग बींग्स हैं या जो सजीव हैं इनका ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो समय के साथ साथ एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण क्या होने लगता है, विघटित होने लगता है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नॉट लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये व्यवस्था या ऑर्गेनाइजेशन टूटता है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, इसीलिए जीवों के शरीर को मरम्मत की, रिपेयरिंग की और मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम। क्योंकि ये सभी स्ट्रक्चर जो हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसीलिए इन मॉलिक्यूल को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। What are the maintenance processes in living organisms? Let us explore. सजीवों में ये जो maintenance processes होती हैं वो कौन सी होती हैं, आइए खोजते हैं। What are life processes? The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. जो living beings होते हैं या जो जीव होते हैं इनमें ये जो मेंटेनेंस फंक्शन जो होते हैं वो लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। जब हम सो रहे हों अथवा क्लास में बैठे हों उस समय भी यह है मेंटेनेंस का काम चलते रहना चाहिए। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। और ये सभी प्रोसेसेस जो कम्बाइनली क्या कर रही है, मेंटेनेंस का काम करती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। क्योंकि ये जो क्षति हो रही है या टूट फूट होती है इसको रोकने के लिए जो मेंटेनेंस के प्रोसेस की ज़रूरत होती है उसके लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यह ऊर्जा किसी भी इंडिविजुअल के शरीर में कहाँ से आती है, बाहर से आती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसीलिए ये जो एनर्जी का जो सोर्स है इससे जो बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए जिससे एनिमल्स के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर क्या हो सके, एनर्जी आ सके। तो ये जो सोर्स होता है, एनर्जी का जो सोर्स होता है, इसे हम भोजन बोलते हैं, फूड बोलते हैं। और बॉडी के अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। जब किसी भी लिविंग बींग के अंदर शरीर में वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से दूसरे रॉ मटेरियल की भी क्या होगी, आवश्यकता होगी।
सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि अर्थ पर जो लाइफ है वो कार्बन मॉलिक्यूल पर बेस्ड है. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. क्योंकि अर्थ पर क्या है, जो लाइफ है वो कार्बन मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पर जो फूड मटेरियल होता है या खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो भी किस पर आधारित है, वो भी कार्बन पर बेस्ड है. इन कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर, कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं या लिविंग बींग्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द एनवायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. चूँकि एनवायरमेंट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए एनर्जी की ये जो आउट सोर्सेज होते हैं ये विविध प्रकार के हो सकते हैं. दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर द various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी के इन सोर्सेज के टूटने या बनने की आवश्यकता होती है, विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, ताकि लास्ट में एक यूनिफॉर्म सोर्स में ये परिवर्तित हो सके, चेंज हो सके. और ये क्या हो, विभिन्न जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, बॉडी के जो मेंटेनेंस है या बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए जो आवश्यक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके निर्माण में, उनके फॉर्मेशन में ये उपयोगी होते हैं. फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी. इसके लिए शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज की आवश्यकता होती है. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए कुछ कॉमन, कुछ सामान्य सी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं. फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. इसके लिए बहुत से जीव जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो बॉडी के बाहरी सोर्स से एनर्जी को लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को लेना, सेलुलर आवश्यकता के अनुसार, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उस आवश्यकता के अनुसार जो फूड मटेरियल है उसका विघटन करना, उसको तोड़ना और उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है. इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी पूरी बॉडी जो रहती है वो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती है, इसीलिए इन्हें फूड इनटेक करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती है. बट वॉट हैपन्स वेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है या शारीरिक अभिकल्प स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है, तब क्या होता है. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट. जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें सभी सेल्स जो हैं वो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकती हैं. द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल. तब इस टाइम सिंपल डिफ्यूजन जो होता है सभी सेल्स की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, सभी सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसीलिए सभी सेल्स में डिफ्यूज़न की प्रोसेस नहीं हो सकती है.
वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म. हम पहले भी देख चुके हैं कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं इनमें विभिन्न फंक्शंस को करने के लिए, विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं. वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हम इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू से और बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है इससे परिचित हैं. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो फूड है या ऑक्सीजन जिसका हम अपटेक कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इसको करते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का ये काम होता है. However, this poses a problem. Since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all parts of the body needs them. परंतु इसमें समस्या ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो फूड है या ऑक्सीजन जिसका अपटेक किया जा रहा है कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ही इसका अपटेक करते हैं, परंतु बॉडी के सभी पार्ट्स जो रहते हैं उनको इन की आवश्यकता होती है. मीन्स ऑक्सीजन और जो फूड लिया जा रहा है इसकी आवश्यकता पूरी की पूरी बॉडी को होती है. दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. इस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body, but could even be harmful. जब chemical processes में, हमारी body में जो chemical processes चलती हैं उसमें जो carbon है या oxygen है उसका use किसके लिए किया जा रहा है, energy produce करने के लिए किया जा रहा है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, तब ऐसे में कुछ byproduct भी बनते हैं जो body की cells के लिए ना केवल useless हैं बल्कि ये बहुत हानिकारक भी होते हैं. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. इन जो waste product को body से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसे ही कहते हैं excretion. Again, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. अगर multicellular animals जो हैं या multicellular organisms जो हैं उनमें body design के जो main basic रूल हैं उनका पालन किया जाता है तो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा. इसका अर्थ है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको सेल्स से स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी टिश्यू तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी. लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन. अब हम जो हमारी लाइफ में मेंटेनेंस के लिए ये जो प्रोसेसेस ज़रूरी हैं इन प्रोसेसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन के बाद में इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.